हैं फेस्टिव सीजन में, और फेस्टिव सीजन में फूड का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। फूड एक ऐसी चीज जो सभी लोगों को फेस्टिव सीजन में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग करती है। तो क्या आप लोग भी एक ही तरह के फूड खा खा के बोर हो गए हैं? पिज्जा सबकी पसंद, पर क्या पिज्जा एक ही स्टाइल में खा खा के आप बोर हो गए हैं? जी हाँ, अगर आप हो गए हैं तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पिज्जा में एक नई वेराइटी, जिसका नाम है पिज्जा पाई। आज हम पिज्जा को बनाएंगे पाई फॉर्म में, एक डिफरेंट वे में। पिज्जा को किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह से उसको एक्सॉटिक टच दे सकते हैं, एक्सॉटिक फ्लेवर दे सकते हैं, कैसे आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को, आपके गेस्ट को एंजॉय करा सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा इस लाइव में। पिज्जा पाई किस तरह से बनाते हैं, इस पिज्जा पाई की पूरी रेसिपीज को लर्न करने के लिए जुड़े रहिए स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आप जिसके पीछे जो टेक्निकल टिप्स टेक्निक्स हैं उसको फॉलो करके ये रेसिपी को कंप्लीट वे में बना पाए। जी हाँ, मैं शेफ अनिल फ्रॉम स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पिज्जा पाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाली सारी की सारी एक्साइटिंग अपडेट्स आप लेते रहिए। और अगर आप हमारे साथ पुराने आप हमारे पुराने गेस्ट हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइमों से, तो आप भी इन चीज़ों को शेयर, आने वाले सारे बेनिफिट्स और अपडेट्स आप लेते रहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की रेसिपी बिना किसी लेट किए हुए, ताकि आप इस रेसिपी को अच्छे से इंजॉय कर पाएं। जी हाँ, आज की रेसिपी का नाम है पिज्ज़ा पाई। कैसे बनाएंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा बना के, क्लियर करूंगा एक एक चीज़ इन बिटवीन। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में, कोई भी क्वारीज आपके मन में रेज होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर भी रिवर्ट कर सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप पाई बनाना, पिज्जा पाई। पिज्जा पाई बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे पाई। पाई को किस तरह से बनाना है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पाई बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में मैंने ये रेसिपी को प्लान किया है, ताकि किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन और किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सबसे पहले पैन बनाएंगे पाई। अगर आपके घर में OTG है, ओवन है, माइक्रोवेव है, ईजी है, सिंपल है, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट टैली करा देता हूँ पाई बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, रिफाइंड फ्लावर, जी हाँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप चाहो तो थोड़ा सा इस तरह, अगर 50-50 आप इसमें व्हीट फ्लावर ऐड कर सकते हैं रिफाइंड फ्लावर के अलावा, लेकिन जो चीज़ें रिफाइंड फ्लावर से बनती हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। रिफाइंड फ्लावर, उसके बाद में डालेंगे इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, जी हाँ, थोड़ा सा फैट कंटेंट, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं फैट कंटेंट जाएगा, तो थोड़ा सा डालेंगे बटर, और डालेंगे सीजनिंग, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह से, सबसे पहले आपको पाई बना के दिखा देता हूँ कि पाई को किस तरह से बनाना है। हालांकि इसका जो डो बनाएंगे, हम डो को हम रखेंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेकरी प्रोडक्ट में किसी भी फूड को रेस्ट देना, क्योंकि रेस्ट देने से होगा क्या कि चीज़ें फर्मेंट होती हैं, फर्मेंटेशन होगा, तो इसको रेस्ट देना होता है एटलीस्ट 2-3 आवर्स। लाइव रेसिपी में पॉसिबल नहीं हो पाता रेस्ट देना, इसलिए मैंने पहले से डो बना के रखा है। सो आई विल शो यू हाउ टू मेक दैट, बट सबसे पहले तो डो मेकिंग है ना इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ रिफाइंड फ्लावर में, मैंने ऐड किया 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, राइट। फैट कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला, चीज़ों को क्रस्टी क्रंची बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसमें फैट कंटेंट ऐड करें, और थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट जब बेकिंग पाउडर के साथ में मिलेगा ना, तो ये करेगा एक लीवनिंग एजेंट का काम, राइट। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया इसमें, और अब इसको हम करेंगे नॉर्मल टैप वाटर से बाइंड। आप चाहो तो थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं की है, क्योंकि मुझे ये इंस्टेंट बना के दिखाना है, और ज़्यादा एटलीस्ट अगर आपको रेस्ट भी देना है तो 2-3 आवर्स का देने से ज़्यादा नहीं, तो आप इसमें शुगर ना ऐड करें, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। मैं अब इसको बाइंड कर रहा हूँ। डो जो बनाना है ना, एकदम जैसे आप घर में चपाती का लोड मानते हैं, जैसे आप घर पे डो बनाते हैं चपाती का, सिंपल, ज़्यादा एकदम जो थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लूज़ नहीं होना चाहिए, बाइंडिंग रहे। जैसा कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि चपाती जैसे बनाते हैं, बस वैसा लोट आपको बांधना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से इसको बाइंड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है इसकी रेस्टिंग। आपको इसको रेस्ट देना,
बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको रेस्ट नहीं देंगे ना तो प्रॉपर क्वालिटी नहीं आएगी निकल के। अगर कुकिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम चीज़ों को कितने प्रोफेशनल वे में बनाते हैं, तो वो प्रोफेशनल वे में बनाने के लिए उस क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए मैं किस तरह से इसको नीट कर रहा हूँ, ओके, किस तरह से मैं इसको नीट कर रहा हूँ। ज़्यादा स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर आप इसको बाइंडिंग करने के लिए, इसको आप रेस्ट करने के लिए छोड़ रहे हैं ना, तो बस इस कंडीशन में आप इसको छोड़ सकते हैं। एक डो बना लीजिए इसका। देखिए मैं किस तरह से इसको डो बना रहा हूँ। ये मैंने डो बना दिया और अब हम इसको दे देंगे रेस्ट, ओके। ज़्यादा पंचिंग करने की, ज़्यादा नीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी अगर आपने किया सो विल बी सफिशेंट फॉर द टाइम बीइंग, ओके। ये देखिए इतने डोसे बनेंगे कम से कम दो पाई, और मैंने ये पहले से लगा के रखा हुआ है, आई शो यू दैट। बट इस कंडीशन में आपको इसको क्लीन फॉल से रैप करके या फिर किसी भी गीले कॉटन के कपड़े से रैप करके आप इसको रख सकते हैं रेस्ट देने के लिए, जो कि मिनिमम 1 to 2 hours आपको देना ही होगा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। अब ज़्यादा टाइम भी अगर इवनिंग में प्रिपेयर करना है तो आप नून टाइम पे बना के रख सकते हैं, नून में बनाना हो तो आप मॉर्निंग टाइम में बना के रख सकते हैं। लेकिन बना के अगर आपको मोर देन 2 hours इसको स्टोर करना है तो आप फिर इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ना है, रूम टेम्परेचर पे अगर आपको छोड़ना हो तो 1 or 2 hours, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए डो हमारा तैयार हो गया, अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस डो से हम पाई किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जी हाँ, पाई के लिए जब हम इस डो को एटलीस्ट 2 hours, मिनिमम 2 hours रेस्ट देंगे तो ये डो बन जाएगा इस तरह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेक्सचर है ना, वो देखिए ये होता है टेक्सचर। किसी भी डो का जो टेक्सचर है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट एंड टेंडर होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है पाई बनाने का, एकदम परफेक्ट। मैंने इसे पाई बना के रख दी है, क्योंकि हमारे पास में लाइव में होता है शॉर्ट टाइम, तो वो पाई मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये आ गई है मेरी पाई, ओके, और इसको बनाया है मैंने मॉल्ट में। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको दिखाऊंगा मॉल्ट, मैंने किस मॉल्ट में इसको बनाया है। जी हाँ, ये है मॉल्ट, ठीक है, ये है मॉल्ट, इसमें मैंने बनाया है। और ये है मेरी पाई, एकदम ज़्यादा क्रस्टी नहीं किया है, क्योंकि हम जब इसमें टॉपिंग करेंगे, इसमें स्टफिंग करेंगे और उसके बाद ही जाएगी बेक होने के लिए, तो इसकी जो क्रंचीनेस है ना वो डबल हो जाएगी। सो यू डोंट नीड टू बेक इट एटलीस्ट दैट लेवल की स्टार्टिंग में ही वो उतनी ब्राउन हो जाए। जब उसको डबल बेक करना है तो हम वेट करेंगे इसको डबल बेक करने के लिए। बट पाई का जो टेक्सचर है, जो क्वालिटीज़ है ना, मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत क्लोज से देखें ताकि आप यही क्वालिटी की पाई बना पाएँ, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका टेक्सचर, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ताकि खाते समय आपको ऐसा फील ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेड खा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे कि कैसे इसको ये सॉस से हम कैसे हम इसको सॉस प्रिपेयर करेंगे और कैसे हम उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है पिज़्ज़ा का सॉस। ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा सभी को पसंद आता है, सभी लोग अवेयर होते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको लोग नहीं जानते हैं कि पिज़्ज़ा के सॉस का ऑथेंटिक नाम इटालियन सॉस। कोई पिज़्ज़ा सॉस, कोई इटालियन सॉस, कोई टमेटो सॉस, सब अपने अपने अलग तरीके के नाम से जानते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा का ऑथेंटिक सॉस है कैन कसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जब प्रोफेशनल कुकिंग लर्न करते हो ना, तो कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर लर्न करनी चाहिए, ओके। तो चलिए सॉस प्रिपेयर करते हैं। इस सॉस को आप और भी बहुत सारे फूड में यूज़ कर सकते हैं, बट जब पाई बनाएं तो यही रेसिपी आपको फॉलो करनी, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ में हम बनाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं कर रहा हूँ गैस ऑन। सर हम जो बटर लेते हैं वो चिल्ड लेना है? बिल्कुल भी नहीं, बटर जो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे अगर हो, अगर आपने रूम टेम्परेचर पे मेल्ट कर दिया है, हो गया है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो, सॉलिड फॉर्म में अगर आप फ्रिज से निकाल के भी अगर आप डाल रहे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो, क्योंकि जब आप पानी डालेंगे फ्लार में तो मिक्स हो ही जाएगा बटर, आपको उसको सेपरेट मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको एकदम सॉलिड फॉर्म में भी यूज़ करने की जरूरत नहीं, मीडियम फॉर्म में यूज़ करें। बटर थोड़ा सा सॉफ्ट, एकदम सॉलिड है। अगर फ्रोजन फॉर्म में है बटर तो थोड़ा सा उसको लेट इट कम टू दैट लेवल की थोड़ा सा मेल्ट हो जाए हल्का सा, तो अच्छे से बाइंडिंग हो पाती है। Okay, any other question from your end?
ओके चलिए, पैन मेरा हो गया गरम, अब मैं इसमें डालूंगा ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल में बनाना है, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्जॉटिक टच दूंगा, मैं बनाऊंगा उसको ऑलिव ऑयल में। ये लिया मैंने ऑलिव ऑयल। पता है कैनके से सॉस बनाने की जो रेसिपी है ना वो बहुत अलग अलग है, बहुत अलग अलग। अगर आप इसको एकदम एक्जॉटिक वे में बनाना चाहते हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत ही सिंपल सीजनिंग के साथ में बनाएं, ज़्यादा आपको स्पाइसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको जितना नेचुरल रखेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट वो है गार्लिक। गार्लिक के बिना कैनकस सॉस की वो क्वालिटी नहीं आ पाती है, सो इम्पॉर्टेंट है चॉप्ड, फाइन चॉप्ड गार्लिक। इसके बिना सॉस इनकम्प्लीट है, इसके बिना इस सॉस को आप नहीं प्रिपेयर कर सकते। ओके तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे गार्लिक सबसे पहले, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये ऐड किया मैंने गार्लिक। अब गार्लिक को करेंगे थोड़ा सा सौते, जी हाँ एकदम गोल्डन ब्राउन, क्योंकि गार्लिक जब ब्राउन होता है ना तब जाके वो अपना फ्लेवर रिलीज करता है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, एकदम मैं फील कर पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए, जो एरोमास मुझे चाहिए गार्लिक का वो मैं फील कर पा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे टमेटो को ब्लांच करके उसकी प्यूरी बना के रखी हुई है, ये प्यूरी एक बार आप देख लीजिए, मैंने स्ट्रेन भी किया हुआ प्यूरी, जब भी बनाए उसको छान लें एक बार, प्यूरी को स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक्स्ट्रा सीड और स्किन है वो निकल जाती है। तो मैं इसे प्यूरी ऐड कर रहा हूँ, जितनी आपको चाहिए उतनी प्यूरी आप ऐड कीजिए, जितनी मुझे चाहिए यहाँ पर मैं उतनी ऐड करूँगी। सर अगर किसी के पास मोल्ड नहीं है तो कैसे बना सकते हैं, और ओवन को प्रीहीट करना कंपलसरी है? यस बिल्कुल, ओवन को प्री, सबसे पहला आपका आंसर दे देता हूँ कि ओवन को आपको प्रीहीट करना है। ओवन को प्रीहीट करें 250 से लेके 300 डिग्री टेम्परेचर पे, अगर आप 15 टू 20 मिनट्स भी इसको प्रीहीट करते हैं तो द टेम्परेचर विल बी सफिशेंट फॉर द पाई। और सेकंड चीज़, अगर आपके पास मॉल्ट नहीं है, अगर मॉल्ट के सेप का कोई भी यूटेंसिल्स आपके घर पे, किसी भी तरीके का वासन अगर आपके घर पे है इस तरीके का, तो आप उसकी भी शेप में इसको बना सकते हैं। अदरवाइज आपके घर में कोई एल्युमिनियम की ट्रे हो, किसी भी मेटल का किसी भी तरीके की ट्रे शेप में हो या ओवल शेप में किसी भी तरीके का यूटेंसिल्स हो ना, तो आप उसमें भी पाई की शेप को देकर आप उसको बेक कर सकते हैं। ओके अगर इन केस वो भी नहीं है ना, तो फिर आप इसको पिज़्ज़ा फॉर्म में साइड से, जैसे हम लोग उसको साइड से हाथों से मोल्ड करते हैं, तो ऐसा भी करके आप फ्लैट किसी ट्रे पे या फिर किसी जाली पे रख के भी आप इसको बना सकते हैं। वो आपके ऊपर में होगा कि आप उसको किस तरह से साइड से पाई का शेप देते हैं। ओके तो चलिए फोकस करते हैं हमारे सॉस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सॉस, इसके बिना ये पाई का जो टेस्ट है ना वो नहीं आ पाएगा। अच्छा इसमें डाल रहा हूँ मैं थोड़े से कुछ इंग्रेडिएंट, क्योंकि कैनकस सॉस के लिए हर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें ऑरेगानो, थोड़ा सा मैं डालूंगा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मैं डालूंगा बटर। अगर आप बटर स्किप करना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, चाहते हैं कि आपके फूड में ग्रीसी फूड ना हो, उतनी ज़्यादा हाई कैलोरीज कंटेंट ना हो, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा तो ऐड करूंगा ही बटर। देखिए थिकनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम किसी भी क्वालिटी फूड को प्रिपेयर करते हैं, किसी क्वालिटी फूड प्रोडक्ट को बनाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमें टेक्निकली जो ध्यान में रखनी होती है कि एक सॉस का जो कंसिस्टेंसी है वो उस लेवल पे रहेगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आएगी टॉपिंग वेजिटेबल्स की, तो सॉस को तो उस लेवल पे लेके ही आना पड़ेगा। ओके सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया है, मैं सॉल्ट ऐड कर देता हूँ इसमें, सॉल्ट सीजनिंग के हिसाब से जितना आप प्रिपेयर करते हैं उतना। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा टमेटो केचप। जी हाँ टमेटो केचप, क्यों? क्योंकि इसका जो एक टैंगी टेस्ट है ना उसको डेवलप करने के लिए मुझे टमेटो केचप ऐड करना होगा, जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। सर ओटीजी में स्टील की डिश जाती है? ओटीजी में स्टील की डिश नहीं, आप डाल सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि स्टील जो एक ऐसा मेटल है वो रिएक्ट करता है हीट के साथ में, तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप नहीं ऐड कीजिए। अगर आपके पास एल्युमिनियम है या फिर और कोई
दूसरा कोई वो है मैटर, तो वो आप यूज करके स्टील अवॉइड कीजिए प्लीज। ये देखिए सॉस की जो थिकनेस है ना वो उस लेवल पे आ गई है जो कि स्पाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर भी 1 से 2 मिनट का टाइम मैं और लूँगा ताकि मुझे और ज़्यादा प्रॉपर थिकनेस मिल पाए। कैनके से सॉस में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब ये बन के प्रिपेयर हो जाता है ना तब हम इसमें चीज़ ऐड करते हैं। बहुत लोग टॉपिंग में चीज़ डालते हैं लेकिन हम लोग सॉस में भी चीज़ डालते हैं, लेकिन किस स्टेज पे डालना है वो इम्पॉर्टेंट है। सो वेट फॉर दैट मोमेंट कि जब मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगा थोड़ी सी और थिकनेस मुझे चाहिए होगी ताकि मैं इसको उस लेवल तक लेके जा सकूँ। पिज़्ज़ा आप लोगों ने देखा होगा नई नई वेराइटीज़ मार्केट में, कोई मटका पिज़्ज़ा बनाता है, कोई अलग अलग शेप में पिज़्ज़ाज बनाते हैं, कोई स्क्वायर शेप में, कोई ट्रायंगल शेप में, लेकिन होता कंसेप्ट सेम ही है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आप कर दें, थोड़े हर्ब चेंज कर दें, थोड़े वेजिटेबल्स उसकी टॉपिंग चेंज कर दें, बनाने का स्टाइल चेंज कर दें, तो मज़ा दुगुना हो जाता है। चीज़ों को बनाना और एग्जॉटिक वे में बनाना एक अलग ही लेवल होता है। और जो लोग कुकिंग लवर हैं, जो लोग कुकिंग के लिए पैशनेट हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए इस तरीके की एक्साइटिंग चीज़ों को बनाना। स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट हमेशा से हमारी ये प्रायोरिटी लिस्ट में रही है चीज़ें कि हम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इन तरीके की नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते रहें, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए भी कि इन चीज़ों को बेसिक पॉइंट से लर्न करें। जिस तरह से मैं ये सॉस प्रिपेयर कर रहा हूँ उसकी थिकनेस आप लोगों को बता रहा हूँ और इसमें चीज़ किस तरह से ऐड कर रहे हैं वो भी आपको देखना है कि मैं कब कौन सी स्टेज में चीज़ ऐड करूँगा। चलिए मेरा सॉस हो गया है रेडी, मैं कर रहा हूँ गैस को बंद और अब मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा चीज़। अच्छा चीज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं? पिज़्ज़ा के लिए तो मोस्टली डाइस चीज़ मोज़रेला चीज़ ही यूज़ होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो प्रोसेस चीज़ सॉस में ऐड कर सकते हो, पिज़्ज़ा में नहीं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मोज़रेला ही ऐड कर रहा हूँ, आपके पास में हो तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप प्रोसेस चीज़ ऐड कर सकते हैं सॉस में। ये देखिए, अच्छा ये ऐड करने के बाद में इसको मिक्स नहीं करना है, इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि जब आप पाई बना रहे हैं पिज़्ज़ा नहीं बना रहे हैं, सो यू हैव टू कीप द डिफरेंसेस इन योर माइंड कि जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं, पाई बना रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमने चीज़ ऐड कर दिया सॉस में तो हमें बिल्कुल भी उसको मिक्स नहीं करना है क्योंकि पाई का एक अपना टेस्ट आएगा, राइट। तो चलिए मैं अब इसको मिक्स नहीं करूँगा, एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब मैं करूँगा स्टार्ट पाई की टॉपिंग एंड स्टफिंग। ये पाई हमारे पास में बनके 2 पाईज मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, और पाई को प्रॉपर शेप अलग अलग होता है, अगर आपके पास में जिस साइज़ का मॉल्ट है उस साइज़ का आपका पाई का शेप आएगा, बट ये स्टैंडर्ड है। इस साइज़ को हम बोलते हैं 5 इंचेस 5 टू 6 इंचेस, ये 5 टू 6 इंचेस की पाई है। अगर आप इससे भी बड़े साइज़ की बनाना चाहते हो तो वो आपके ऊपर में है कि आप उसको किस तरह से बना सकते हो। साइज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि रेसिपी को कितना टेक्निकली आपने फॉलो किया है, ठीक है। सॉस, अब एक सवाल मन में कि गरम गरम सॉस की स्टफिंग करनी है, अगर आपके पास में टाइम हो तो लेट इट कूल एटलीस्ट फॉर 5 टू 10 मिनट्स। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, गेस्ट आ गए हैं और उनको फटाफट से खिलाना है, गरम भी डाल सकते हैं, नो वरीज, कोई ज़्यादा हार्म नहीं, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपका जो बेस है वो सॉगी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब ये ओवन में जाएगा तो बैलेंस्ड हो जाएगा, सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट, राइट। सर ये पाई हम गैस पे बना सकते हैं? गैस पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कुछ चीज़ों का टेक्सचर जो होता है, जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो हमें मेंटेन करनी होती है। और हमें जो एक पाई को बनाने के लिए और बेक करने के लिए 2 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक पाई की बेकिंग, बेस की बेकिंग और पाई की बेकिंग। सो दोनों की बेकिंग में जो होता है ना जो टेम्परेचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गैस पे जो डायरेक्ट टेम्परेचर आता है उसमें वो क्वालिटी नहीं निकल के आएगी, वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। कुकिंग करते समय एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कॉम्प्रोमाइज़, वो नहीं होना चाहिए, ना ही क्वालिटी से ना ही क्वांटिटी से। बहुत लोग हैं ऐसा कि वो लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलिए ये ब्रांड का नहीं है दूसरे ब्रांड का यूज़ कर लेते हैं कोई फूड प्रोडक्ट, सो वहाँ पर आप एक गलती कर बैठते हैं। क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी कई बार, अमाउंट कम होता है और चीज़ें हमें बनानी होती है और हम सोचते हैं कि चलो प्रॉपर वे में बना लेंगे, क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज़ से वो चीज़ें भी स्पॉइल हो जाती हैं। तो हमेशा कुकिंग करते समय आपको मेरा ये सजेशन है, मेरे पर्सनल एंड से भी, बीइंग अ शेफ आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू,
कि कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप इस तरीके के फूड को प्रिपेयर कर रहे हो। चलिए मैं अब तैयार करता हूँ इसकी स्टफिंग, किस तरह से इसको स्टफ करना है, किस तरह से इसको वेजिटेबल से टॉप करना है, फिर हम करेंगे इसको बेक। कन्वेक्शन पे कर सकते हैं ना? कन्वेक्शन पे कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन कन्वेक्शन पे होगा क्या कि इसके ऊपर में जो इफेक्ट आ रहा है, जो आप इफेक्ट देख रहे हो, ये ग्रिलिंग इफेक्ट, जो रोस्टिंग इफेक्ट आता है ना, तो वो नहीं आएगा, बाकी बन तो जाएगा ही। और ये सॉस हम रेगुलर पिज्जा में यूज कर सकते हैं? 100% आप 100% इसको यूज कर सकते हो, बट एक डिफरेंस है, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें पिज्जा सॉस में अनियन भी जाता है और भी बहुत सारी हर्ब्स जाती है, मिक्स हर्ब्स भी जाती है, यहाँ पे मैंने कोई हर्ब्स सिर्फ और सिर्फ ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स यूज किया, आप उसमें कर सकते हो। इसमें मैंने चीज ऐड किया है, पिज्जा सॉस में आपको चीज स्किप करना होगा। अगर इसी तरीके का सॉस आप पिज्जा में यूज, आप मार्केट से जो पिज्जा सॉस लेकर आते हैं ना, बहुत ही ज्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। मेरा ये सजेशन है, कभी भी आप घर पे अगर पिज्जा बना रहे हैं, खुद उसको सेल्फ मेड सॉस बनाएं। ओके, टमाटो आपके पास में होता है, ब्लांच करें, प्यूरी बनाएं, सिंपल रेसिपी फॉलो करें, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि आप सॉस नहीं बना सकते हो। लोगों को पिज्जा बहुत पसंद आता है, लेकिन मार्केट से रेडीमेड सॉस लाएंगे और बना लें, रेडीमेड सॉस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। सो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप जब कभी भी बनाना हो तो घर पे बनाएं, ये रेसिपी फॉलो करें। ये मैंने पाइस के लिए प्रिपेयर किया, पाई में आप सिर्फ और सिर्फ चीज को स्किप कर दीजिए, बाकी ये सॉस आप यूज कर सकते हो पिज्जा में। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ हमारी रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं इसको होल्ड करूंगा इस तरह से और इस सॉस को स्प्रेड करूंगा यहाँ। ये देखिए, अच्छा जब हम स्टफ कर रहे होते हैं ना, इसको आपको लेवल मेंटेन करना होता है, ना ही इतना ज्यादा उसको टॉपअप करना है कि सॉस जो है ना वो बेक होने के बाद में बाहर आ जाए। यस, दिस इज द लिमिट ऑफ द सॉस एंड आई एम नॉट गोना पुट मोर, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग। ओके, सो हाउ मच सॉस आई हैव टेकन, सो यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर दैट, राइट। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और अब मैं करूँगा इसको वेजिटेबल की टॉपिंग। जी हाँ, थोड़ा सा मैं पहले चीज डाल देता हूँ, क्योंकि चीजी पाई जो बनेगी ना उसी से ही इसका टेस्ट आएगा, तो पहले मैंने चीज थोड़ा सा स्प्रिंकल किया और उसके बाद वेजिटेबल। अच्छा, पिज्जा बनाने के लिए ना वेजिटेबल जो आपको पसंद हो, बहुत लोग मशरूम लाइक करते हैं, मशरूम डालिए, पनीर पसंद करते हैं पनीर डालिए, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स में तो चुकनी डालनी है चुकनी डालिए, बेबी कॉर्न डालना है, चेरी टमेटोज, वॉट एवर यू लाइक। इसमें कोई रेसिपी को ऐसा नहीं कि हम लोगों ने रेसिपी में आपको दे दी कि वेजिटेबल आपको ये, आपकी भी चॉइस ऐड कीजिए इसमें। वेजिटेबल के लिए कोई स्टैंडर्ड रेसिपी कभी नहीं होती, आपको जो अच्छी लगती है, आप जिसके लिए बना रहे हैं उनको जो अच्छा लगता है वो आप ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कॉमन सभी की चॉइस, इसमें मैंने लिया है बेबी कॉर्न। ओके, सबसे पहले मैं बेबी कॉर्न को प्लेस कर रहा हूँ, बेबी कॉर्न का टेस्ट भी बहुत अच्छा, आप इसमें एलापिनोस ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। ओके, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें ग्रीन पेपर्स, ग्रीन पेपर के साथ में मैं डाल रहा हूँ इसमें येलो पेपर्स, थोड़े से रेड पेपर्स, मतलब बेल पेपर्स आप ले सकते हैं, येलो रेड जो आपको पसंद हो। चीजें ना देखने में अच्छी लगनी चाहिए तो खाने का मजा दुगना हो जाता है। अच्छा तो ये बनने ही वाला है, लेकिन देखने में कितना अच्छा बनेगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने लिए यहाँ पे बेल पेपर्स। अच्छा, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्जॉटिक बनाने के लिए टमाटो भी ऐड करते हैं इसमें। ओके, ये हो गई है मेरी चॉपिंग और अब मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा चेरी टमेटोज। चेरी टमेटो को प्लेस कैसे करना है वो भी देख लीजिए एक एक बाइट में, ये फील हो खाते समय आपको कि आप एक पाई बनाई है आपने, ये देखिए, ठीक है। चलिए मैं अब इसमें डाल देता हूँ एक एक पीस ऑलिव्स का, अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो डालिए, नहीं हो तो आपकी पाइस इतने में भी तैयार हो जाएगी। एलापिनोस मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, एलापिनोस का भी ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एलापिनोस का जो अपना एक एरोमाज है, अपना जो फ्लेवर है ना वो पिज्जा को करता है कंप्लीट। पाई में बना रहे हैं तो डाल दीजिए अगर आपके पास में है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं ऐड करने वाला हूँ वो है बेसिल। जी हाँ, बेसिल भी, ये देखिए फ्रेश,
इसका जो टेस्ट है ना वो ऐसे ही नहीं आने वाला है, बहुत लोग हैं डायरेक्ट डाल देते हैं, इसका टेस्ट आता है ऑलिव ऑयल के साथ। देखिए मैं किस तरह से इसको ऐड करूँगा, ठीक है ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे। बिना ऑलिव ऑयल के बेसिल तो हो जाती है इनकम्प्लीट, और इसको कम्प्लीट करने के लिए डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल जब तक नहीं डालूंगा तब तक वो एग्जॉटिक फ्लेवर और एग्जॉटिक टेस्ट नहीं मिलेगा। हो गई है मेरी पाई तैयार, अब मैं करूँगा टॉपिंग चीज की, क्योंकि चीज के बिना तो ये इनकम्प्लीट है ना। तो चलिए अब डालते हैं मोज़रेला, ये मैंने ऐड किया। जितना चीज आप पसंद करते हैं उतना डालिए, और जो लोग चीज स्किप करना चाहते हैं तो आप अगर नीचे थोड़ा सा चीज़ बेस में डाल दिया है ना तो आपको ऊपर से टॉपिंग करने की तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं वो लोग चीज़ प्रेफर नहीं करते ड्यू टू देयर हेल्थ। अगर आप खाते हैं तो डालिए, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कीजिए, पाई तो आपकी बनने ही वाली है बिना चीज़ के भी, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ ऐड कर दी कि अगर आप बिना चीज़ के भी बनाना चाहते हैं तो बन जाएगी, लेकिन अगर आप एक्सैक्ट टेस्ट लेना चाहते हैं तो चीज जरूर ऐड कीजिए। मोज़रेला मैंने ऐड किया है, टॉपिंग में डालेंगे थोड़ी सी ऑरेगानो, क्योंकि जब हर्ब्स ऊपर होती है ना और जब चीजें बेक होती हैं अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रिलीज करती हैं। ये देखिए ये मैं डाल रहा हूँ उसमें हर्ब्स, इसके बिना ये रेसिपी इनकम्प्लीट है। दैट्स इट, हो गई है मेरी पाई तैयार। पाई की स्टफिंग देखिए, पाई की थिकनेस देखिए, पाई की टॉपिंग देखिए, जो भी बेसिक टेक्निक मैंने फॉलो किया है वो आपको ऑब्जर्व करना है, और इसी तरह से इसको होल्ड, आपकी पाई कभी भी लूज नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको थ्री फिंगर्स पर होल्ड करना चाहें सो यू कैन डू दैट इजीली। ये मैं फिंगर पे होल्ड करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि पाई का जो टेक्सचर है ना वो इतना सॉफ्ट नहीं है कि वो लूज करेगा या हैंग करेगा, क्लियर। ये चीजें होती हैं स्टिफनेस, किसी भी प्रोडक्ट की स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर। सो अब डाल देते हैं इसको ओवन में बेक होने के लिए, फटाफट से जब ये बेक होके आएगी ना मैं कट करके दिखाऊंगा आपको कि कितनी मज़ेदार होने वाली है। चलिए इसको करते हैं हम बेक ओवन में। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को जब हम बेक करते हैं तो टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा 250 से लेके 300 के बीच में। द टाइमिंग विल बी अराउंड 7 to 10 minutes, अगर उसके बावजूद भी थोड़ी क्रिस्टीनेस बाकी रह जाती है सो यू कैन इंक्रीज द टाइम, देर इज नो इशू विद दैट। 2-3 मिनट ऊपर नीचे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम हो गया तो निकाल लेना है, चीज़ें लगनी चाहिए कि प्रॉपर वे में बनी है, ओके। चलिए पाई हो गई है हमारी तैयार, और उस पाई से रिलेटेड अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टेक्निक अगर आपको नहीं समझ में आई हो, मैं ही हूँ आपके आंसर देने के लिए, पूछ लीजिए। सर OTG में दोनों रॉड ऑन रखना है 100%, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, नीचे से भी तो क्रस्टी होनी चाहिए, क्रंची, जब ऊपर से चीज मेल्ट होगा ब्राउन इफेक्ट आएगा तो नीचे से भी बेस थोड़ा सा क्रंची होना चाहिए, तो दोनों रॉड आपको ऑन रखनी है। एनीथिंग एल्स? और हमारा मोल्ड कितने इंच का है? अच्छा, जब आप इसको बेक करें ना, एक चीज मेरी ध्यान रखना, आपको मॉल्ट में बेक नहीं करना है, मॉल्ट में बेक नहीं करना है, ओपन बेक करें, ठीक है ना, एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप इसको बेक करें तो बेक करने के लिए आपको उसको ओपन करके बेक करना है, बिल्कुल भी, बहुत लोग बोलो क्या करते हैं कि मैंने मॉल्ट में बनाया तो बेक भी मॉल्ट में करना है, बिल्कुल भी नहीं, आपको उसको ओपन बेक करना है, पिज्जा की तरह बेक करना है, दोनों रॉड ऑन करके करना है। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया 250 से लेकर 300, बस इस टेम्परेचर पे आपको उसको बेक करना है। एनीथिंग एल्स प्लीज? होप कि आपको ये चीजें टेक्निकली समझ में आई हो कि किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप, फिर भी मैं जुड़ा हूँ अभी आपके साथ फाइनल प्रेजेंटेशन तक, अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी आपको कोई टेक्निक नहीं क्लियर हुई हो पूछ लेना, मैं आपको, आप लोगों के साथ में रहूंगा एंड तक। और पाई का जो बेस है वो कौन से टेम्परेचर पे बेक करना है? पाई का जो टेम्परेचर है ना, पाई का जो बेस है जब आप उसको बेक करते हो तो टेम्परेचर शुड बी अराउंड 200 to 250 degrees, ठीक है, 300 तक जा सकते हैं, थोड़ा सा बाद में सॉफ्ट हो जाएगा, बट let it be till 250 से 200 से लेके 250 तक अगर आपका टेम्परेचर रहेगा तो आप उसको बेक कर सकते हैं। प्रॉपर टाइमिंग 7 to 10 minutes, इससे ज़्यादा में नहीं, आपकी पाई जो है ना 7 to 10 minutes में बहुत ही परफेक्ट वे में तैयार हो जाएगी और आप इस तरीके के प्रोडक्ट को इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारी टीम मेंबर में से सिमरन को, ताकि आने वाले ऑफर्स और स्कीम्स प्रॉपर वे में वो इंट्रोड्यूस कर पाए आपको, और आप उन स्कीम्स, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हम लोग लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए,
वो सारा खजाना, वो सारा पिटारा ओपन करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा सिमरन को। प्लीज सिमरन, और हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि क्या क्या इनके बेनिफिट मिलने वाले हैं सबको। थैंक यू सो मच सर। सो अभी आप सब ने देखा कि सर ने कितनी यमी पाई बनाई है। आई एम श्योर आप सबके मुंह में तो पानी आ ही रहा होगा। सो अभी आप किसका वेट कर रहे हैं? आई थिंक सर के क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं कि सर कब क्वेश्चन करेंगे और अब हम जल्दी से जाके उसका आंसर देंगे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। इसके बाद सर जल्दी से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर का जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको कैसे देना है। आपको जो YouTube का लिंक है आपको उसको 5 WhatsApp ग्रुप में सेंड करना है एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारा WhatsApp नंबर 9712307070 पे सेंड करना है और अपना आंसर वहाँ पे राइट करना है। सो ये तो हो गया हम सर के क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है वो मैंने आपको बता दिया है। बट आप सबको पता ही है कि अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की प्रिपरेशन सबके घर में स्टार्ट हो गई होगी। आई थिंक सबके घर में स्टार्ट हो ही गई होगी, तो इसके लिए जल्दी से लाइक बटन दबा के मुझे बता दीजिए कि दिवाली की प्रिपरेशन सबके घर में स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। आई एम वेरी श्योर हो ही गई होगी क्योंकि सब फेस्टिवल टाइम में बिजी हो गए हैं, तो उसके लिए ही इस फेस्टिवल सीजन के लिए ही स्वाद लेकर आ रहा है एक दिवाली स्पेशल वर्कशॉप जिसमें हम आपको 6 कोर्सेज बैक टू बैक लाइव देने वाले हैं, जिसमें से हम आपको पार्टी एपेटाइजर्स इट मीन स्टार्टर्स देने वाले हैं, टार्ट्स एंड बिस्किट्स लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, स्वीट एंड स्नैक्स हैम्पर है एंड उसके बाद आइस टी एंड कॉफी का लेकर आ रहे हैं। ऐसे यूनिक 6 वर्कशॉप्स हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए जिसकी कॉस्टिंग केवल 499 रुपीज में विद 3 मंथ एक्सेस। अगर आपको इसमें से कोई इंडिविजुअल कोर्स भी लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग केवल 99 रुपीज है। अब 99 के इन्वेस्टमेंट में हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम इतने यूनिक एंड इतने क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी के साथ हम कैसे सीख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला लाइव कल हमारा है पार्टी एपेटाइजर का, तो जो हमारे शेफ अनिल सर ही लेने वाले हैं। तो यस अनिल सर, आप थोड़ा इसे इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कल क्या सिखाने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत ही चीज़ें, बहुत ही डिफरेंट वे में जो चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ ना आपको, आप लोग किसी बैंकवेट्स, पार्टीज, लॉन्च पार्टीज कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि मूविंग स्टार्टर्स किस तरह से अलग अलग कैटेगरी में, डीलक्स कैटेगरी में, प्रीमियम कैटेगरी में आपको कुछ स्टार्टर्स ऐसे ही मिलते हैं जिनको आप बाइटिंग्स के तौर पे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और जब आप उनको खाते हैं ना तो आपके मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या हम इन्हें कभी घर पे बना पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, कल ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ एक्सक्लूसिवली 5 रेसिपीज उन स्टार्टर्स की जिनको आप आपके घर पे इजीली बना सकते हैं। आपके यहाँ घर पे कुछ गेट टुगेदर्स हो, पार्टीज हो, किटीज हो, अगर आप घर पे कुकिंग करते हैं बहुत एक्साइटिंग वे में, तो ये चीज़ें तो आपके लिए ही बनी है, तो क्यों नहीं आप ही उस स्टाइल का, उसी टेस्ट का, ऑथेंटिक वे में चीज़ों को लर्न करके आप बना सकते हैं। बहुत ही कम रेट पे ये चीज़ें आपको ऑफर की जा रही है। रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, द इम्पॉर्टेंट इज योर एफर्ट। अगर आप पैशनेट हैं कुकिंग को लेके, सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल चीज़ें किस तरह से बनती हैं, शेफ्स आर नॉट मैजिशियंस, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है आपको, सिर्फ कुछ टेक्निक्स, कुछ रेसिपीज, द वे यू कुक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वो सारी की सारी टेक्निक मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, और एक्सक्लूसिवली क्या क्या बनाने वाला हूँ वो तो जान लीजिए। मैं बनाऊंगा कॉकटेल समोसा, बहुत ही एकदम चटपटा मसालेदार नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, जो कि किसी भी बैंक्वेट की शान होता है। बैंक्वेट मेनू में कॉकटेल समोसे का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं बनाने वाला हूँ पिज्जा कैनपेज, एक एक्सॉटिक कॉन्टिनेंटल स्टार्टर्स, बाइटिंग्स के तौर पे आप उसको खा सकते हैं, बहुत सारे बैंक्वेट एंड आउटडोर कैटरिंग्स के मेनू में आपको मिल ही जाएगा। और मैं बनाने वाला हूँ मोजरेला ऑनियन रिंग्स। जी हाँ, सिंपल रिंग्स तो आपने खाई होंगी, लेकिन क्या कभी आपने चीजी मोजरेला रिंग्स खाई है? वो भी मैं कल लेकर आऊँगा एक्सक्लूसिवली आपके लिए। कबाब के बिना तो मूविंग स्टार्टर इनकम्प्लीट है, एक एक्सक्लूसिव कबाब भी ऐड कर देते हैं इसमें, काजू कबाब। फेस्टिवल सीजन है, काजू के बिना तो कंप्लीट होगा नहीं, तो काजू के कबाब ही सही, वो काजू के कबाब हम आप तक पहुंचाएंगे। इस तरीके की जो रेसिपीज होती है ना, इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, इन चीज़ों को बनाने के लिए ना उनकी टेक्निक्स को समझना होता है, और उन टेक्निक्स को लाइव में अगर आपको समझना है तो आपकी जो भी क्वायरीज होंगी मैं उनको भी आंसर करूंगा लाइव में। सो इन सारी चीज़ों को बेनिफिट लेने के लिए
जुड़ जाइए कल हमारे साथ में, किस तरह से इनरोल करना है, किस तरह से आपको हमारे लाइफ का बेनिफिट लेना है, वो सिमरन विल एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू दैट। सो प्लीज सिमरन, इनको किस तरह से इनरोल करें, बहुत सारे लोग एक्साइटेड तो हो ही गए होंगे इसको जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप इनको इनरोलमेंट का प्रोसेस एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच सर। अभी तो सर ने इतने ही टेस्टी स्नैक्स आपको बता दिए हैं, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना शुरू हो चुका है। सो किसका वेट कर रहे हैं? अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप इतने इंस्टेंट एंड क्विक वे के स्नैक्स सीख कर खुद भी तारीफ लूटिए ना कि अरे वाह मैम आपने क्या स्नैक्स बनाए हैं। सो ये तारीफ पाने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से हमारे एप्लीकेशन पे जाना है और हमारे एप्लीकेशन पे जाके साइन अप करना है। जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है और वो ये लाइव क्लास मिस कर देंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। उसको डाउनलोड करने के बाद साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जल्दी से सर्च ऑप्शन पे जाके दिवाली स्पेशल वर्कशॉप को टाइप करना है और उसमें इनरोल करना है। और इसके बाद भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट होता है कि मुझे इनरोल नहीं आ रहा या कैसे करना है, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9712307070 पे। आप इस पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं और हमें कॉलिंग करके भी इस डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। सो उसके बाद यस मैम, अगर मैम कोई आउट ऑफ कंट्री है तो वो भी हमारा क्लास परचेस कर सकते हैं? यस मैम, यस आउट ऑफ कंट्री भी जो अवेलेबल है वो भी हमारा ये क्लास परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन 200+ कंट्रीज में अवेलेबल है। जो हमारे साथ आउट ऑफ इंडिया भी जुड़े हैं वो भी इस एप्लीकेशन को मतलब डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इस क्लास पे इनरोल कर सकते हैं। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी जाके हमारी एप्लीकेशन पे इनरोल करिए। तब के लिए सर आपको मैं हैंड ओवर करती हूँ। सर अब आपको आपकी पाई का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स सिमरन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, सारी चीज़ें समझने के लिए, हमारी रेसिपी को लर्न करने के लिए। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस रेसिपी को जरूर इस फेस्टिव सीजन में आप बनाएं, बेनिफिट के टाइम, मैं नहीं बोलूंगा कि आज ही बनाएं, बट जितना जल्दी आपको टाइम मिले आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ये रेसिपी ना आपको एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देगी, ये मेरा एक कमिटमेंट है आपसे। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, इस रेसिपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की डिटेल्स आपको दी गई कि उस क्वेश्चन का आंसर करना है, वो क्वेश्चन है क्या पहले तो वो सुन लीजिए। जी हाँ, मैंने आपको किस तरह से इस पाई में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं वो तो सभी आपको लाइव पता है, लेकिन मेरा बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का रीज़न नहीं कि आंसर कितने लोगों को पता है, मोस्टली सभी को पता होगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ना तो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज होंगी आपके माइंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग कुकिंग लर्न करते हैं उनके लिए। तो आप लोगों को एक सिंपल सा ही आंसर मुझे दे देना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना बताना है कि मैंने जो सॉस पाई में यूज़ किया इसका इटालियन नेम क्या है। ये देगा आपको एक प्रोफेशनल टच, आपको याद भी रहेगा ये नाम अगर आप मुझे उसका आंसर देंगे। तो आपको मुझे रिप्लाई करना है, आपको मुझे आंसर करना है इस क्वेश्चन का आंसर। वापस से रिपीट कर देता हूँ, जो सॉस मैंने यूज़ किया स्टफिंग में उस सॉस का इटालियन नाम, ठीक है? तो चलिए अब मैं कंटिन्यू करता हूँ मेरी रेसिपी। मेरी पाई जो बेक होने के लिए गई थी ऑलमोस्ट डन है। मैं चाहूँगा एक बार उसको बेकिंग वे में भी आपको लाइव वहाँ तक लेके जाके दिखाऊँगा कि किस तरह से वो बेक हो रही है। देखिए मेरी पाई का जिस तरह से इसको बेक किया जा रहा है ना, बस शायद आप देख पा रहे हो जो गोल्डन इफेक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ऊपर से आ गया है। जो क्रस्टीनेस, जो क्रंचीनेस पाई में आनी चाहिए थी वो भी आ गई है। अब मैं दूंगा इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। अच्छा, पाई और पिज़्ज़ा में एक चीज़ है, पाई को आप इतना ज़्यादा क्रस्टी ना कीजिए ताकि आप उसको इन्जॉय कर पाएँ। पिज़्ज़ा होता है जो थिन क्रस्ट होता है उसको ज़्यादा हम क्रस्टी कर सकते हैं, पाई को ज़्यादा ना कीजिए। थोड़ी सी डेलिकेसी मेंटेन होनी चाहिए, वो मैं रखूँगा इसके साथ। और अब मैं दूंगा इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। ओके सो प्लीज, अब फिर उसके बाद मैं इसको पिज्जा कटर से कट करके भी दिखाऊंगा आपको। मैं सबसे पहले पाई को प्लेस करूंगा यहाँ पर कि ये आ गई है मेरी गर्मा गर्म पाई। ओके, होप कि आप इसको देख पा रहे हैं, इसके टेक्सचर को आपको ना जो गोल्डन इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना ऊपर से, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
उस इफेक्ट को आपको याद रखना है, उस इफेक्ट को आपको हमेशा की कभी भी ना पाई में ये जो चीज का कलर है, देखिए साइड से अगर आप देख पा रहे हैं ना ब्राउन हो गया ना, बस दिस इज द साइन, दिस इज द फाइनल साइन कि आपकी पाई रेडी हो गई है। ओके, और जो स्टफिंग है वो भी प्रॉपर वे में, जो वेजिटेबल्स मैंने यूज की है वो प्रॉपर वे में देखिए यहाँ पर आ गई है। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट इट। अगर आप चाहो तो इसको 4 पीस में, अगर आप चाहो तो इसको 2 पीस में कट कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि इसको कट करने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं आप लोग इसको कट करके जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, दैट्स इट। कट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसको होल्ड करेंगे ना, जब आप इसकी पीसेस होल्ड करेंगे तब आपको फील होगा कि ये प्रॉपर वे में आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो कट करते समय अगर थोड़ा सा भी रह जाए तो आप उसको वापस से कट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज पता क्या है, इस पाई को एंजॉय करना। यस, ये जो चीज़ इफेक्ट आप देख रहे हैं ये है एक पाई की डेलिकेसी, और जब इस हर्ब्स को, इस सॉस को आप एंजॉय करेंगे सो यू विल फील अमेजिंग। ओके, सो आई विल कीप दैट एज इट इज, ताकि आप फाइनली देख पाए कि इसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाना है, इनफैक्ट अगर मेरी एक्सपेक्टेशन तो इससे भी ज़्यादा अच्छा आप बनाए। रेसिपी सेम फॉलो करनी है, कुछ ज़्यादा अगर कुछ चेंजेस करना हो तो वेजिटेबल में कर देना, बाकी की रेसिपी में मत करना। इससे भी अच्छा बनाओ, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनाओ, यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। और स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारी विशेज आपके लिए कि आप बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ों को लर्न करो, जितनी भी आपकी विशेज है कि कुकिंग में आपको ये लर्न करना है वो लर्न करना है, हमारे पास तो पूरा खजाना है आप लोगों के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ में और भी अपडेट्स के लिए, ताकि आप सभी की सभी अपडेट्स को एंजॉय कर पाओ। सर, कल के लिए सबको आप इनविटेशन दे दीजिए आपके क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आपको इम्पोर्टेंस बता दिया ना, चीज़ों को प्रोफेशनली लर्न आपको करना है, टिप्स एंड टेक्निक्स आपको सीखनी है। खाना बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बनाते होंगे बहुत सारे स्टार्टर्स, बहुत सारी फूड्स, लेकिन चीज़ों को ना प्रोफेशनल वे में बनाने के लिए, बींग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 20 ईयर्स, राइट, ये सारा का सारा एक्सपीरियंस है ना आप लोगों के साथ में शेयर करना होता है। लीजिए बेनिफिट इन चीज़ों का, चीज़ों को प्रोफेशनल वे में किस तरह से बनाया जाता है, प्लेटिंग किस तरह से की जाती है, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं फूड की, कौन कौन सी टेक्निक कुकिंग के समय यूज की जाती हैं, सब चीज़ों को एंजॉय तो आपको ही करना है ना, बेनिफिट भी आपको ही लेना है। तो वेट मत कीजिए, जुड़ जाइए हमारे कल के लाइव के लिए हमारे साथ, और जो भी इनरोलमेंट का प्रोसेस आपको बताया उसे फॉलो कीजिए। मिलते हैं कल हमारे लाइव के टाइम पे, मैं आऊँगा आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेके। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।